फ्रेंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण और आज फिर से आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूं। आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको क्लिक करें और आने वाले वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल का आइकन है उसको दबा दें ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, वर्ल्ड फेमस बिहारी लिट्टी चोखा का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अगर अभी तक आपने अपने घर पे नहीं बनाया है तो आज मैं आपको जो टिप्स बता रही हूँ, तीन तरीके का टिप्स बता रही हूँ जिसके थ्रू आप अपने घर पे आसानी से बिहारी लिट्टी और चोखा बना सकते हो। बनाना इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो मैं तीन तरीका बता रही हूँ उस तरीके में से आप किसी भी एक तरीके से अपने घर पे बना सकते हो। आज ये जो टिप्स है ये मेरी मदर इन लॉ की है, मुझे भी नहीं आता था लेकिन मैंने सीखा है। आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले इसका मसाला रेडी करना होता है। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप के आसपास सत्तू। आपको ये मार्केट में इसको मिल जाएगा, ग्राम फ्लोर भी बोल सकते हैं, रोस्टेड चना से बनाया जाता है। उसके बाद लिया धनिया का पत्ता 1.5-2 इंच के आसपास, अदरक, हरी मिर्च, बहुत सारा हरी मिर्च है, तीखा चटपटा है, और लहसुन की कली। और उसके बाद इन सब में सबसे पहले हम मिलाएंगे ये, इसको आप कलौंजी बोल सकते हैं, यानी कि मंगरेला लगभग 1 चम्मच। और फिर लहसुन जो हमने लिया हुआ था उस लहसुन को अच्छे से कूट करके यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे लिया है अदरक और हरी मिर्च जो मैंने लिया हुआ था, हरी मिर्च, और फिर धनिया का पत्ता इसमें हम डाल देते हैं। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा क्वांटिटी रख सकते हैं, तीखा कम खाते हैं थोड़ा कम डालें, और अगर थोड़ा मसालेदार खाना चाहते हैं तो जरूर ज्यादा से ज्यादा हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। तो ये सारे चीज हैं जो कि स्वाद को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। मंगरेला जो होता है जरूर डालें। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये आम का कुच्चा है, इसकी जगह आप आम का अचार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर नमक लास्ट में स्वाद के हिसाब से रखते हैं। ये सारे मसाले जो है बहुत ही बढ़िया अच्छे अच्छे क्वांटिटी में डाले तो और भी ज्यादा स्वाद बढ़ जाएगा। उसके बाद लास्ट में डालेंगे सरसों का तेल, लगभग 3 से 4 चम्मच डाल दें, और डाल करके फिर काफी अच्छे से इन सभी को मिक्स कर लें। सरसों का तेल डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो सरसों के तेल को थोड़ा सा मतलब गर्म करके डालिएगा तो इसका जो आप कच्चापन है वो हट जाता है। उसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं। इन सभी को डाल करके काफी अच्छे से सभी को मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जब लिट्टी के अंदर ये भरेगा तो बिल्कुल भी गिरता नहीं है, वो चिपका हुआ रहता है। ये एक टिप है। तो बस हमारा आज का लिट्टी का जो मसाला है बन करके रेडी है, मसालेदार लिट्टी का ये सत्तू का मसाला। अब चलते हैं आटा गूंथने के लिए। तो आटा गूंथने के लिए आप गेहूं का आटा ले लें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें स्वाद के हिसाब से, और फिर काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे पानी, थोड़ा सा पानी इस तरह से आटा को बीच में इस तरह से निकाल दे और थोड़ा पानी डाल दे। और फिर यहाँ पे हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालने से क्या होता है, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आता है, ऊपर से लेयर जो होता है क्रिस्पीनेस आता है। तो यहाँ पे आराम से 5-6-7 चम्मच आप रिफाइंड ऑयल डाल दें। इसकी जगह आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का इस्तेमाल करने से और भी अच्छा टेस्ट आएगा। अगर घी नहीं है तो रिफाइंड ऑयल डाल करके इस तरह से फिर काफी अच्छे से यहाँ आटा गूंथना। आटा यहाँ पे काफी अच्छे से टाइट आटा गूंथना है, ज्यादा भी लूज नहीं होना चाहिए, काफी अच्छे से आटा टाइट होना चाहिए। और फिर उसके बाद इस तरह से लोई निकाल ले आटे से, और इस तरह से आप जो जैसे ये मेरी मदर इन लॉ है जो बना रही हैं और इन्होंने ही सिखाया है तो उन्हीं का सिखाया हुआ आज है। इस तरह से लोई निकाल के बीच में आप थोड़ा सा होल बना ले इस तरह से, और फिर सत्तू जो मसाला हमने बनाया है उसको इस तरह से डाल करके इसका मुंह काफी अच्छे से बंद कर दें। ये देखिए, और इस तरह से राउंड राउंड गोल गोल कर करके आपको इसको अच्छे से बना लेना है। अगर लिट्टी का मसाला बढ़िया बनता है तो लिट्टी ऑटोमेटिक ही स्वादिष्ट बनती है, इसलिए मसाला बनाने के टाइम पे बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आप इसको बनाने की कोशिश करें और मसाले थोड़ा भड़बड़ के डालने की कोशिश करें। इसी तरह से हम सारे लिट्टी में जो है मतलब जितना मसाला है वो आटा में भर करके लोई इसका तैयार कर लेते हैं लिट्टी का।
तो जब तक हमारा ये लिट्टी बन रहा है, इसमें भर रहे हैं, तब तक इसका हम चटनी या फिर चोखा बना लेते हैं। इस तरह आज मैं आपको टमाटर का चोखा बना करके बताऊंगी। इसका ऑलरेडी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर चेक करें। आज मैं पूरी रेसिपी नहीं, सिर्फ नॉर्मली बताऊंगी कि लिट्टी के साथ आप इस तरह का टमाटर का चटनी बना करके खा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक इस तरह से रोस्टेड जो इस तरह का जाली वाला होता है वो ले लें। डायरेक्ट आग पे हम यहाँ पे हम टमाटर को अच्छे से पकाएंगे, जब तक उसका छिलका फट नहीं जाता, और तब तक इसको यहाँ पे आपको घुमा घुमा के इसको काफ़ी अच्छे से पकाना है। इसकी रेसिपी अगर आपको फुल डिटेल में चाहिए तो ज़रूर एक बार आप लिंक क्लिक करना मेरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर चैनल विजिट ज़रूर करें, एंड स्क्रीन सेक्शन से भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह से हमें टमाटर यहाँ पे पका लेना है। आप चाहे तो बैगन का चोखा भी होता है, लिट्टी के साथ बैगन का चोखा फेमस है, वो भी बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें जो चटनी में डालने के लिए थोड़ा सा तेल लेंगे, तड़का के लिए सरसों का तेल लगभग 2 से 3 टेबल स्पून ले ले। और फिर यहाँ पे हम पकाएंगे लाल वाली साबुत मिर्च जो होती है वो, उसी को हमको डालना है ये टमाटर में। तो आज मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ इसका चटनी बनाने का, इसका ऑलरेडी रेसिपी है इसलिए मैंने डिटेल में नहीं बताया, थोड़ा सा ही मैंने रिकॉर्डिंग किया है इसको। और इन सभी को मिक्स करके हम चटनी बना लेंगे। दूसरी ओर चलते हैं, दूसरी ओर हमारा ये देखिए हमारा लिट्टी का जो है रोल, जो इसको गोल गोल बोल सकते हैं, लिट्टी बन करके गोल गोल रेडी है। तो अब इसको भून सबसे पहले पकाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो पहला जो तरीका है वो है माइक्रोवेव। अगर आपके घर में माइक्रोवेव अवेलेबल है तो ज़रूर ये टिप्स ये तरीका अपनाएं। तो कोई भी माइक्रोवेव का स्टैंड होता है, मिलता है, जो भी माइक्रोवेव आपके पास ओवन है उसमें इस तरह का स्टैंड ले लें, छोटा वाला स्टैंड होता है, और उसमें डाल दें। और डाल करके यहाँ पे आपको कन्वेक्शन मोड पे आपको काफ़ी टाइम तक लगभग इसको पकाना है, आधा घंटे से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा पकने में। तो 200 डिग्री टेम्परेचर कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री पे 30 से 45 सेकंड तक पकाएं ज़रूर। और दूसरे तरीका ये है कि इस तरह का आपके पास अगर कढ़ाई है, लोहे वाली कढ़ाई है, तो कढ़ाई को काफ़ी अच्छे से गर्म कर ले, और उसमें तेल वेल बिल्कुल कुछ नहीं डालना है। और फिर डाल करके इस तरह से जो लिट्टी है वो डाल दें, जितना भी क्वांटिटी आप डाल सकते हैं, जितना भी बड़ा कढ़ाई उसी हिसाब से। और फिर यहाँ पे आप इसको ढक दें। तो यहाँ पे मैं ढक दे रही हूँ और उलट पलट करके हमें थोड़ी देर पकने देना है। और फिर पलट पलट के इसको सेम जैसे हम बनाएंगे, जैसे हमने टमाटर पकाया है सेम वैसे ही पलट पलट के इसको, ज़्यादा तेज़ गैस पे नहीं करें नहीं तो जल जाएगा, उसको पकाना पड़ता है। थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा लगता है दोस्तों, अगर लिट्टी इस तरह का खाना है तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंसफुल आपको रहना पड़ेगा। तो इस तरह से चम्मच की मदद से आप पलट दें, थोड़ी देर में इसका जो है कलर जो है कुछ ही देर में बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सुनहरा हो जाएगा। तो इस तरह से ढक करके हमें लगातार इसको पकाना है। तीसरा तरीका है गैस पे, यानी कि आग पे सेका हुआ लिट्टी है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरे पास यहाँ कुछ और ऑप्शन नहीं है, तो जिसपे मैंने टमाटर पकाया अभी आपने देखा होगा, सेम वही जाली लेंगे और उसी जाली पे यहाँ पे गैस को हमें बहुत ही कम करके रखना है, और फिर धीरे धीरे इसको डाल करके पलट पलट के हमें पकाना है। तो यहाँ पे आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप दूसरे तीसरे काम में बिजी है तो 1 लोग को यहाँ खड़ा रखना पड़ेगा ताकि वो पलट पलटे तुरंत तुरंत ही, नहीं तो क्या होगा, एक साइड जल जाएगा और एक साइड कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए हमेशा इसको ध्यान रखें कि इस तरह पलट पलट करके पकाना है। तो ये 3 तरीका है, जिस तरीका से आपको भी सुविधा है, जो भी चीज़ आपके सामान घर में अवेलेबल उस हिसाब से आप इस तरह का लिट्टी बना करके अपने खा सकते हैं। क्योंकि शहर वगैरह में कोयला नहीं होता है, बहुत सारे लोग पास अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इस तरह से लिट्टी अगर आग वाला खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। माइक्रोवेव है तो उसमें बना के खा सकते हैं, लोहे की कढ़ाई है तो उसमें बना के खा सकते हैं। इसी तरह से इसको पलट पलट के हमें पकाना है। और इस तरह से देख सकते हैं ये कढ़ाई वाला मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसी तरह से हमें ढक ढक के पकाना है, जिससे पक भी जाएगा और ये बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा, अंदर तक पकेगा। तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, इसको और कुछ देर और पका लेते हैं हम। दूसरी ओर देख सकते हैं ये आग वाला जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है, ये देखिए आग वाला थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जला हुआ इसी तरह से दिखेगा, कहीं भी आप पकाओ, चाहे कोयले के ऊपर पकाओ, चाहे गैस के ऊपर पकाओ, ऐसे ही दिखेगा।
और तीसरी और हमारा हमने जो माइक्रोवेव में डाला हुआ था वो ऑलरेडी हमने लगभग 45 मिनट मैंने टाइम सेट किया था। यहाँ पे कन्वेक्शन मोड पे काफ़ी टाइम लगता है पकने में, तो लगभग ओवर होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो बस हमारा ये देख सकते हैं तीन तरीके से लिट्टी बन करके रेडी। आपको तीन कलर का है लिट्टी, दिख रहा होगा ये जो जला हुआ है, ये आग पड़ के आप देखिए बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। मैंने इसको तोड़ के आपको दिखाया है, बहुत ही परफेक्ट। और ये जो है ये हमारा माइक्रोवेव वाला है, ये देखिए बहुत ही अंदर ऊपर से इतना क्रिस्प है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुका है। और ये जो है ये कढ़ाई वाला है, ये देखिए इसको भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, थोड़ा सा भी गर्म है, मैं आपको इसको फिर भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छे से पका है। तो आपको तीनों तरीका में से जो भी तरीका सटीक लगे, सही लगे, और जो भी सामान आपके पास अवेलेबल हो उसी हिसाब से आप बनाएं। और अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एक बार मैं बोलती हूँ ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये मैंने चटनी बनाया है, आप देख सकते हैं चटनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इस तरह के चटनी की रेसिपी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर चेक करें। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।